शांति आज एक जनवरी 2023 है नव वर्ष 2023 की आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो ये वर्ष सदा शुभ हो स्वस्थ हो और सदा श्रेष्ठ हो और साथ साथ आज से जनवरी मास भी शुरू हो रही है और ये अव्यक्त मास है और इस अव्यक्त मास में हम अपने आप को बाप समान बना लें तो आज के स्लोगन में भी यही कहा है कि हम अपने नेचर को जितना इजी बनाते हैं उतना बाप समान बन जाते हैं सुनते हैं आज का स्लोगन जिनके संस्कार इजी है वे कैसे भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे एक होता है इजी नेचर इजी स्वभाव संस्कार और दूसरा होता है टाइट वाले नेचर टाइट वाले संस्कार व स्वभाव ईजी नेचर अर्थात मिलनसार हरे के साथ मिल कर के चलने वाले जैसे भी कोई भी समय हो परिस्थिति हो कोई भी कार्य हो कोई भी संस्कार वाली आत्मा हो उन सब को अच्छी तरह से परख करके उनके साथ एडजस्ट हो के चल पाना उनके साथ ढल जाना इसको कहा जाता है ईजी नेचर अर्थात मिलनसार बड़ों के साथ बड़ों जैसे रहना छोटों के साथ छोटे बन जाना हम जींस के साथ उसी अनुसार चलना इसी को ही कहा जाता है मिलनसार इजी नेचर और मोल्ड करने के स्वभाव मोल्ड करने के संस्कार टाइट नेचर माना ऑफिशियल नेचर ऑफिशियल नेचर ये एक विशेषता ज़रूर है परंतु समय अनुसार ऑफिशियल रहना ज़रूरी है मगर जब रमणीकता हो जब हंसी खुशी खुशी का टाइम हो उस समय हम ऑफिशियल रहें उसको विशेषता के रूप में नहीं गिना जाएगा इसलिए हमें मिलनसार अर्थात अपने संस्कारों को इजी बना करके चलना बहुत आवश्यक है एक और बात ये भी है कि इजी नेचर माना ही अपने संस्कारों को मोल कर सकने कर सकने की शक्ति प्राप्त करना कई बार ऐसे भी होते हैं कि हम इजी स्वभाव संस्कार को अच्छी तरह से ना जान पाने के कारण से हम अपने आप के साथ अपने नियम मर्यादाओं के साथ अपने स्वपुरुषार्थ के साथ इजी हो जाते हैं और कह देते हैं कि बाप बाप दादा ने कहा है ना इजी बनने के लिए इसलिए इजी हो गए ये इजी नेचर नहीं बल्कि अल्बेलापन है तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इजी नेचर क्या है और अलबेलापन क्या है दूसरी बात ये भी है कि इजी नेचर अर्थात अपने अहम के भाव स्वभाव को अपने अहंकार को अपने ईगो को अपने कंफर्ट जोन को तुरंत त्याग कर देना तुरंत मोल कर देना स्व कल्याण के हित विश्व कल्याण के हित यज्ञ के हित ये भी बहुत श्रेष्ठ इजी नेचर की निशानी है तो आइए इस नए वर्ष में अपने संस्कारों को इजी बनाए मोल्ड करें और बाप समान बने ओम शांति